एवं चुनाव को लेकर खबर पर नजर की स्पेशल रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 8 में भाजपा और कांग्रेस के दावेदार ठोक रहे हैं दमखम। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने पत्नी और परिवार जनों पर दाव लगाने को तैयार। चुनावी सरगर्मियां वार्डों के राजनीतिक घटनाक्रम जो कि पार्षद पद के चुनाव को लेकर हो रहा है उससे अवगत कराते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जूना रिसाला यानी वार्ड क्रमांक आठ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर अधिकांश तरह मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत कर रहे हैं। और इस वार्ड की अगर आप देखा जाए तो यहाँ लगभग 38-39 बूथ हैं और 38-39 बूथ में कई बूथ संवेदनशील हैं। वहीं लगभग 27-28 बच्चा वर्तमान में यहाँ से शेख असलम यानी कि अनवर दस्तक पार्षद रहे हैं। पिछली बार भी वही पार्षद थे, पिछले 10 साल से अनवर दस्तक का यहाँ पर बरकरार है। तो क्यों हो गया तो उसे लेकर इस वार्ड में देखा जाए तो हमेशा भाजपा के उम्मीदवार का टोटा रहा निरंजन सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़े थे। और यहाँ पर जो भी उम्मीदवार जीता है वो मुस्लिम जीता है। इस वार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अधिकांश मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद लोधी मतदाताओं का भी बाहुल्य और हरिजन मतदाता का भी बाहुल्य। कांग्रेस की ओर से यहाँ अनवर दस्ता क्योंकि वार्ड महिला सामान्य घोषित हुआ है ये रुखसाना अनवर दस्ता का टिकट चूँकि वो वर्तमान MLA पार्षद हैं ये तय माना जा रहा है। यहाँ पर सरवर खान भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, 3-4 बार के पार्षद रही हैं लेकिन उनके बारे में इस प्रकार का अपडेट है कि वो दिग्विजय सिंह जी से मिलने गई थी या उनके लोग गए थे तो उनकी ओर से कहा गया है कि 3-4 बार पार्षद लिए लड़ लिए हैं, अब छोटा चुनाव छोड़ो तो कुछ बड़ा सोचो और पार्टी के लिए कुछ बड़ा करो, इस प्रकार की बातें हैं। तो संजय शुक्ला चाहते हैं कि सरवर खान चुनाव लड़े, इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही है। इसी बात से हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की तो संजय शुक्ला का सरवर खान की है। हालांकि टिकट लड़ने से लाकर जीत का दावा था अनवर दस्तक का ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा यहाँ से अनवर दस्तक के अलावा शबनम खान भी जो कि अशरफ खान की वाइफ हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें भी प्रतिनिधि मिलना चाहिए, काफ़ी लंबे समय से हम काम कर रहे हैं कांग्रेस का तो अब मिले। जहाँ तक भाजपा की बात है भाजपा की ओर से कोई अचंभे वाला नाम यहाँ पर सामने आने की बात आ रही है। कारण है कि जिन्हें उम्मीदवार बताया जा रहा है रेहान खान उन्हें काफ़ी कमता आंका जा रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा से अगर कोई कोटे की बात हुई तो रेहान खान का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर सत्यनारायण सत्तन की बहू और प्रेम खड़ायता की पत्नी के लिए चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं। प्रेम खड़ायता पहले पार्षद रहे हैं, कमलनाथ कैंप के ही माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अमान मेमन का नाम भी चल रहा है, हालांकि CA में उनकी सक्रियता के कारण इस प्रकार की बातें आ रही है। इधर आप पार्टी से रानू खान चुनाव लड़ने के लिए हम ठोक रहे हैं। तो एक और नई बात जो सामने आई है वो ये आई है कि यहाँ से MIM का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा है। अभी एक नया जो घटनाक्रम और अपडेट हुआ है कि इंदौर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की भी एंट्री हो चुकी है और जूना रिसाला का वार्ड क्रमांक 8 भी उनकी आमद को खेल सकता है।